Now next string method is charAt method. charAt method का just working क्या है? अगर suppose अगर आपके पास कोई भी string available है in the form of like that, अगर string के अंदर किसी particular character की means करें given positions के लिए character check करना means for example ये find out करना what is the character available in zeroth position, what is the character available in first position और वंथ पोजीशन लाइक दैट. इस केस में अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यूज के लिए, इस केस में एच की बात करें तो एच का इंडेक्स क्या है 0, ई का इंडेक्स क्या है 1, एल का इंडेक्स क्या है 2 3 एंड ओ का इंडेक्स क्या है 4 लाइक दैट. इस केस में वैलिड इंडेक्सेस क्या है फ्रॉम 0 टू 4 क्लियर. अगर आपके पास कोई मिस गिवन इंडेक्स के लिए इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये करेस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न कराना है देन यूज करेंगे charAt मेथड. वन मोर थिंग्स, charAt मेथड के थ्रू only valid indexes pass करना possible means जैसे इस particular hello के case मात करें hello के case में valid indexes क्या हैं 0 to 4 suppose that इस case में index pass करता हूँ like a negative index like a minus 1 minus 2 index कैसे invalid. same अगर मैं pass करता हूँ 5 और 6 ऐसा कोई भी character नहीं जो भी 5 या 6 position में found हो रहा था इस particular situation में charAt method runtime error throw करेगा called as string index out of bound exception. सारे के सारे points मैंने already mentioned किए हैं, check करते हैं working of given methods. One more thing, what is the use of charAt method? charAt method का just use क्या है? For example, अगर आपके पास कोई string available है, string के अंदर किसी particular position में मुझे character test करना है, for example, test करना है, what is the character available in first position or first beginning index? Like that, if मुझे टेस्ट करना है कोई किसी सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और लाइक अ नेम ऑफ स्टूडेंट, फाइंड आउट क्या करना है व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम. अगर मुझे चेक करना है अगर इस पर्टिकुलर नेम के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर किस पोजीशन किस इंडेक्स में फाउंड हुआ 0, अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए से स्टार्ट हुआ है देन इसके अकॉर्डिंग आप करेस्पोंडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कराओगे लाइक दैट. स्टार से स्ट्रिंग के लिए लॉजिकली कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कराना बेस्ड ऑन गिवन इंडेक्स में यूज करेंगे charAt मेथड क्लियर. देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम. फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में s1 की बात करें तो s1 जैसे स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है इसमें कैरेक्टर्स क्या फाउंड हो रहे हैं 0 सॉरी a b c. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ a 0, इंडेक्स ऑफ b 1, इंडेक्स ऑफ c 2. इस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स स्टार्ट होगा ऑलवेज फ्रॉम 0. फर्स्ट वन charAt 0th पोजीशन, s1 के अंदर 0 पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर फाउंड हो रहा है a, इसलिए फाइनली इस println के अंदर charAt मेथड रिटर्न क्या करेगा कैरेक्टर a प्लस करेस्पोंडिंग इसे आउटपुट भी क्या डिस्प्ले हो जाएगा फर्स्ट println के थ्रू a. नेक्स्ट वन सेम एज इन सेकंड केस, सेकंड केस में इंडेक्स वैल्यू पास किया 1, 1 फर्स्ट इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा b, इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा इसे b. थर्ड केस में बात करें इंडेक्स वैल्यू पास किया जाए 2, 2 इस केस में भी कैसा आल्सो वैलिड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है c, तो थर्ड println के थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा c. लेकिन फोर्थ println के केस में बात करें इस केस में इंडेक्स वैल्यू पास किया 3, 3 कहीं भी कोई इंडेक्स फाउंड हो रहा है क्या नहीं, इसे इंडेक्स कैसा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसे लेंथ कैसा होना चाहिए या फिर जो भी आप इंडेक्स पास कर रहे हैं इंडेक्स कैसा होना चाहिए बिटवीन 0 टू लेंथ माइनस 1 ऑफ द स्ट्रिंग. इस केस में गिवन इंडेक्स कैसा इनवैलिड, देन इस केस में इमीडिएटली रन टाइम एरर रेज होगा, इसे एरर मैसेज का टाइप करेगा स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शंस. ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है तो इसके और इस केस में स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, उसके बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे. सिमिलरली अगर इस स्टेटमेंट को आप कमेंट्स में राइट कर दो और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दो इस केस में भी इंडेक्स वैल्यू कैसा आल्सो नेगेटिव, देन अगेन इस केस में भी क्या आएगा आल्सो सेम एरर मैसेज.